स्वागत so, है दोस्तों डागुर्स यूट्यूब चैनल पे तो अभी जो है कविया सर की क्लास स्टार्ट हो रही है तो उससे पहले मैम नोज लांबा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डागोर डागोर्स चैनल पे तो दोस्तों कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण जो है अभी रिसेंटली जो आपकी जनरल साइंस की क्लास होने वाली थी ठीक है ये जो आपकी जनरल साइंस की क्लास होने वाली थी दस बजे बजे तो आपकी करंट अफेयर्स की मेरे द्वारा होगी थी क्लास नौ बजे आपकी हर्ष कुंदारा सर की रीजनिंग सेगमेंट में होगी थी रीजनिंग वाले सेगमेंट में दोस्तों आगे जाके हम मैथ भी में करवाएंगे लेकिन पहले जब तक पुलिस का एग्जाम नहीं हो जाता जब तक रीजनिंग के सेगमेंट अपन यहां चलाएंगे उसके बाद में पटवार और एस के सेगमेंट में हम जो है यहां पर मैथ का आपको अरेंज करवा देंगे उसके बाद में जनरल साइंस की चूंकि आज टेक्निकल कारण किससे जो है क्लास हो नहीं पाई उसके लिए माफी चाहते हैं अब गजेंद्र सिंह कविया सर की जो है इस बैच में ये जो लाइव दोस्तों आज से नया बैच शुरू हुआ है पुलिस का तो आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ये बात आपके सभी भाइयों तक पहुंचानी है डागोर्स यूट्यूब चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर प्रैक्टिस भी लाइव करवाई जाती है और थ्योरी भी आपको लाइव करवाई जाती है और बारह बजे दोस्तों जीके का सेगमेंट है जिसमें हिस्ट्री से आज जो है शुरुआत हो रही है और यहीं पर आपकी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और आपका ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपकी हिस्ट्री भी जो है कंप्लीट हो जाएगी और इसके अलावा जो बच्चे का पोलिट्री वाला सेक्शन वो भी

आप सभी को ढेर सारा नमस्कार सुप्रभात बड़कम राम राम सर हथियार ये लीजिए हमारा हथियार हाँ भाई अशोक खिलेरी सोनल सुमाइला खान दर्शन शर्मा अनुष्का शर्मा ऋतुराज एक एक गुजर खुशबू सैनी नीतू परेवा राजेश यादव मोनिका स्वामी अंकित गुज्जर बबीता चौधरी अजय गुज्जर सोनल सभी को नमस्कार 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 जैसा आपको विदित है कि राजस्थान पुलिस की जो परीक्षा है उसकी तिथि घोषित हो चुकी है अब सबसे पहले जो हमसे जुड़े हुए विद्यार्थी उनमें राजस्थान पुलिस की एग्जाम है तो क्यों नहीं उस परीक्षा को तो हम जीत लें इसी उद्देश्य के साथ जो आपको ऐप पर मिल रहा है वही सामग्री यूट्यूब के लाइव क्लास में भी आपको मिलेगी तो अगर आपने इसको ईमानदारी के साथ पढ़ा तो आपका सलेक्शन निश्चित है साथ में ही जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं स्वाभाविक है वो भी कुछ लोग जो राजस्थान पुलिस की दोनों की कर रहे होंगे तो जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको देखना ना भूलें क्योंकि यही सिलेबस पटवारी में भी है यही बिंदु पटवारी में भी है तो सारे के सारे मिलकर के फिलहाल राजस्थान पुलिस को टारगेट रखते हुए हम ये करेंगे और हम हम बातें करेंगे कम और पढ़ाई करेंगे ज्यादा क्योंकि मेरा एक स्वभाव है बातों ने स्वभाव बातें करने में ज्यादा आनंद आता है तो मुझे बीच बीच में टोकते रहें यदि मैं बात करूँ तो मुझे कह देना चुप 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 ठीक है अपन केवल और केवल पढ़ाई करेंगे के जो हमसे जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है देव प्रजापत विक्रम सांकला एम एस चौधरी कविता चौधरी आई क्या बात है नगीना परमार राम किशन मीणा सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आइए दोस्तों अपन चलते हैं क्लोज वाला बटन कौन सा है कुमार शर्मा यादव जी सीकर सभी को नमस्कार अब देखा पहली चुप कर रही है बोले चालू जाओ दलपत भाई राकेश झुंझुनू संदीप राव जीके ट्रिक्स नीलम शर्मा निशा चौधरी गणेश शर्मा बीरबल निठारवाल सभी को नमस्कार आइए दोस्तों आज हम प्रारंभ करते हैं चित्रकला आप में से कहू के चित्रकला विषय रहा भी होगा चित्रकला राजस्थान तो सुरंगा क्षेत्र है सुरंगा प्रदेश है रंग रंगीला देश है और राजस्थान की जो खूबसूरती है उसमें चित्रकला ने भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बलमा बूंदी का दरवाजा पे मंड रही मोरणी श्याचाई मारा बलमा बूंदी के दरवाजे पर मोरणी मंड रही ऐसे भी गीत हैं तो मतलब चित्रकला का भी हमारे राजस्थान के इस वेब में बहुत ही महत्वपूर्ण तो योगदान है और इसी को पढ़ते हैं सर मैं तो डागोर्स अकेडमी में बैठा हूँ आप कहाँ मैं लाइव वाले स्टूडियो में बैठा हूँ आजकल बेटा डागुर जो अकेडमी वहाँ केवल प्रशासनिक काम ही, ही होता है एज ए स्टूडियो स्टूडियो सारे स्थानांतरित कर दे गए दूसरी जगह पर है जो डागोर सर का मकान है वहाँ पर है पिंगोलिया सर आर एस लेवल तक करवाना बिल्कुल करवाएंगे पर बेटा ऐप भी खरीदो मुझे पता है सारा यहीं करा दिया तो तुम ऐप नहीं खरीदोगे क्योंकि इस भारत की विशेषता है सीत का चंदन घिस मेरे नंदन फोकट का ही मसाला लेना चाहते हैं है ना तो फिर हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे बताओ ये जो लाइट बिजली का सारा खर्चा चला ये कहाँ से आएगा है कि नहीं इसलिए ऐप खरीदो और कोई ज्यादा कीमत थोड़ी राजस्थान पुलिस का कितना केवल नौ सौ रुपये में है ना वो खरीदो हाँ अशोक खिलेरुई अंगुली ये अंगुली तो ऐसे ही रहनी है बेटा इससे फायदा भी है बबीता तेरा बना दूं हाँ लाल सलाम लाल सलाम कविता गोस्वामी लाल सलाम राम राम ओके वही आ रहा हूं फिर देखिएगा अब पढ़ते हैं अपन राजस्थान की चित्रकला चित्रकला हमारे राजस्थान में देखें तो दोस्तों कपड़े पर भी हुई है कपड़े पर जो चित्रकला हुई है उसे फड़ कहते हैं है कि नहीं है ऊंट की खाल पर भी हुई है हुई है कि नहीं बीकानेर में साहब हमारे हाथी दांत पर भी हुई है हाथी दांत पर चित्रकला कहां पर हुई है अलवर में लेकिन राजस्थान जिस चित्रकला के सर्वाधिक प्रसन्न आते हैं जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए गर्व गौरव और गुमेज का विषय है वह चित्रकला है भित्ति चित्रण कौन सा चित्रण भित्ति चित्रण हाथी दांत की एक छोटी सी बात आएगी केवल एक बिंदु अलवर शैली में हाथी दांत पर भी चित्रांगन होता है के चमड़े पर बीकानेर में होता है जिनको उस्ताद कहा करते हैं उस्ता कला भी है बीकानेर की कपड़ा कपड़े पर फड़ निर्मित होती है और फड़ चित्रशैली जहां की प्रसिद्ध है वो कहां की है शाहपुरा इसको अपन विस्तार के साथ पढ़ेंगे शाहपुरा में कपड़े पर जो फड़ होती है लेकिन दोस्तों इस चित्रकला का जो मुख्य विषय है वो मुख्य विषय कौन सा है भित्ति चित्रण जिसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं फ्रेस्को पेंटिंग क्या कहते हैं फ्रेस्को पेंटिंग और आइए अब सबसे पहले हम इसी के बारे में अध्ययन करते हैं और जानते हैं सबसे पहले जानेंगे हम वित्तीय चित्र या फ्रेस्को पेंटिंग के बारे में भित्ती चित्रिया कोटा के आलनिया से प्राप्त हाँ बेटा बिल्कुल प्राप्त है सबसे पुराने तो चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुए हैं तो बाटा हुई हजार वर्ष पुराने डायनासोर के चित्र तेजा दशमी पर कुछ विशेष करेंगे पर आपने कुछ किया नहीं किया अरे ओम प्रकाश जाट किसने कहा नहीं किया उस दिन मेरी अंगुली में लगी हुई थी और वीटू के चैनल पर हमने तेजा जी को समर्पित एक कवि सम्मेलन किया था आपको पता हो तो आइए चलते हैं भित्ती चित्रिया फ्रेस को पेंटिंग क्या है ये भित्ति का मतलब भीत भीत का मतलब दीवार तो दोस्तों दीवारों पर सुंदर कलात्मक चित्रण करना दीवारों पर सुंदर व कलात्मक चित्रण करना ही क्या कहलाता है फ्रेस को पेंटिंग अथवा भित्ति चित्रण कहलाता है इस वित्तीय चित्रों के बहुत से उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं एक मिलता है हमें श्रीपुरा गांव से श्रीपुरा गांव कहां पर पड़ता है रावतभाटा चित्तौड़गढ़ रावत भाटा, रावत भाटा है चित्तौड़गढ़ गरदड़ा गरदड़ा कहा है बूंदी और एक आलनिया आलनिया कहां है कोटा दोस्तों रावत बाटा के श्रीपुरा चित्तौड़गढ़ से मिले हैं वो मिले हैं हमें पिछहत्तर हजार वर्ष पुराने कितने वर्ष पुराने पिछहत्तर हजार वर्ष पुराने डायनासोर के चित्र मिले हैं बताइए पिछहत्तर हजार वर्ष पुराने डायनासोर के चित्र कहां से प्राप्त हुए श्रीपुरा से श्रीपुरा किस तहसील में रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में यह चित्र कितने पुराने हैं पिछहत्तर हजार वर्ष पुराने यानी कि राजस्थान में खुदाई से आज दिन तक जितने भी चित्र प्राप्त हुए हैं उनमें सबसे प्राचीन यही हैं और ये थोड़े ही दिन पहले मिले थे ये चित्र कब मिले थे 2018 में कब मिले 2018 में ये चित्र कितने वर्ष पुराने पिछहत्तर हजार वर्ष पुराने और चित्र भी किसके हैं डायनासोर के हैं है। दूसरी बात दो मिले याद रखना दोस्तों गरदड़ा बूंदी यहां से जो चित्र मिले वो किसके मिले हैं बर्ड राइडर यानी कि पक्षियों की सवारी पक्षियों की सवारी जैसे होता ना केमल राइड ऊंट की सवारी हॉर्स राइडिंग हॉर्स राइडिंग यानी घुड़सवारी, बाइक राइडिंग यानी कि बाइक की सवारी तो इसमें जो पक्षियों की सवारी के चित्र या बर्ड राइडिंग के चित्र मिले हैं अब बर्ड राइडिंग के चित्र देखिए जैसे विष्णु विष्णु किसकी सवारी करता है गुरुड़ की है कि ब्रह्मा जैसे ब्रह्मा कमल पर विराजमान है लेकिन सवारी किसकी है हंस की जैसे कार्तिकेय कार्तिकेय भी पशी पक्षी की सवारी करता है किसकी मोर की अरे है कि नहीं जैसे लक्ष्मी लक्ष्मी किसकी सवारी करती है उल्लू की इसीलिए उल्लुओं पर लक्ष्मी ज्यादा राजी रहती है उल्लू टाइप का आप अपना नेचर बना लोगे तो लक्ष्मी की कृपा होगी यानी कि ये हिंदू देवी देवताओं के चित्र हिंदू देवी देवताओं के उनके चित्र हैं जो पक्षियों पर सवारी करते हैं तो बताइए पक्षियों पर सवारी करते हिंदू देवी देवताओं के चित्र कहां से प्राप्त हुए गर्दड़ा से गर्दड़ा कहां पर है बूंदी गर्दड़ा कहां पर है बूंदी सनी 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 की तो सवारी शायद भैंसा होगा भैंसा पक्षी थोड़ी है अरे है कि नहीं हंस वाय सारे तू तो, तो इसी का ध्यान रखिया कर डी के नाथ कह रहा कोचरी बिल्कुल कोचरी उल्लू को कहते हैं ये रवि कुमार शर्मा कह रहा है मोदी जी वाला मोर नमस्ते सर राधे राधे सभी को भाई डंकी राइडिंग डंकी राइडिंग शीतला माता करती है लेकिन डंकी पक्षी नहीं है हैक नहीं है है कि नहीं तो बताइए बर्ड राइडिंग के चित्र कहां से मिले गर्दड़ा बूंदी से और इसके अलावा जो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए लेकिन चित्र है वित्तीय चित्र वो कहां से मिले आलनिया से आलनिया कहां से कोठा तो प्राचीन जो फ्रेस को पेंटिंग मिली है वो सबसे प्राचीन मिली है पिछहत्तर हजार वर्ष पुरानी चित्तौड़गढ़ जिले के रावत बाटा तहसील के श्रीपुरा गांव से वड राइडिंग के चित्र मिले गर्दड़ा बूंदी से और इसके अलावा मिले कोटा जिले के आलनिया से ये सब के सब क्या है फ्रेश को पेंटिंग या भित्ति चित्रण मतलब भित्ति चित्रों का इतिहास तो बहुत प्राचीन है आज हम पढ़ते हैं साहब भित्ति चित्रों पर निहाल चंद बोरध्वज किशनगढ़ से लिखा गोविंद उससे लिखा बक्शी राम उससे लिखा लेकिन इन चित्रों को भी किसी ने तो बनाया ही था लेकिन इसका उल्लेख हमें कहीं नहीं मिलता आइए चलते हैं अब इस वित्तीय चित्रण की बात करते हैं विस्तार के साथ या प्रेस को पेंटिंग दोस्तों इसके दो प्रकार होते हैं अगर इसके प्रकारों की बात करें तो इसके प्रकार होते हैं दो एक है जिसका नाम है फ्रेस्को ब्रूनो और दूसरा प्रकार है जिसका नाम है फ्रेस्को सेको बताइए कितने प्रकार हैं डॉक्टर कोमल गोड कह रही है हमारा सेखावाटी बिल्कुल आपका शेखावाटी तो बड़ा गजब है शेखावाटी के चित्र भी बड़े फेमस हैं डॉक्टर साहिबा और मजे की बात कन्हैया लाल जी सेठी आपकी धरती पर पैदा हुई है उनकी हवेली भी बड़ी विशाल है।, है कि नहीं है हाँ रमेश चौहान कह रहा अला गिला इसका मतलब आपका दिन ठीक है भाई रमेश चौहान डॉक्टर कोमल गौड़ रिंकू शेखाउत करिए बाबा सरजी सच में आप बहुत मस्त पढ़ाते हैं और ये क्या है सपरडे भी बहुत अच्छा पढ़ाया है आपने ये संप्रदाय बोल इसको सपरडे को गलत लिख दिया आपने

मां सरस्वती का लाडला अर्जुन कह रहा आला गिला वेरी गुड पढ़ा चढ़ाना जबरदस्त एक नाम और और वो बता दे अराइस पद्धति जितेंद्र कुमार जितेंद्र कुमार ये जो इशारा मैं गांव का रहने वाला हूं तुम्हारे तो शहरों में होता होगा हमारे तो अश्लील मानते हैं इसको ऐसा इशारा कर दिया तो जूत पढ़ने तय है ठीक है आइए चलते हैं नागौर से भी मिले क्या नागौर के मैं तो काकड़ी में तीर और क्यों गोनी तिलो था लोड़ टू टाइप्स गुड मॉर्निंग आला गिला की जय ध्यान देना फ्रेज को ब्रूनो में क्या होता है गीले पलस्तर पर चित्रांकन दीवार पर दीवार खड़ी कर दी उसके बाद में लिपाई की लिपाई करने के बाद वो सूखी नहीं उससे पहले उस पर चित्र बना दिए अब वो क्या होता है कि वो चित्रों के वो जो दीवार के अंदर चित्र घुस जाता है जिसको बोलते हैं रचना जैसे अपन मेहंदी लगाती है महिलाएं तो मेहंदी हाथों के ऊपर छपती नहीं वो अंदर घुस जाती है और अंदर घुसे हुए को रचना कहते हैं क्या कहते हैं रचना कहते हैं तो वो अंदर रच जाता है फिर उसको चाहे आप पत्थर से लो सूखने के बाद फिर भी वो चित्र कभी फीका नहीं पड़ता जैसा बनाया गया था वैसा अच्छा जैसे जैसे पुराना होता जाता है उसकी चमक और उसका सौंदर्य और बढ़ता जाता है जितना पुराना उतना ज्यादा सुंदर ओल्ड इज गोल्ड ऐसी पद्धति उसको कहते हैं प्रेस को बरूना जिसमें गीले प्लस्तर पर चित्रांकन किया जाता है अब साफ गीले प्लास्टर पर चित्रांत कर, चित्रांन करते हैं तो जो चूना होता है सीमेंट पर नहीं होता आज के सीमेंट पर नहीं हो सकता ऐसा चित्रांगन इसमें एक ही जगह का चूना काम आता है वो कौन सी जगह है राहुली का दोस्तों राहुली कहा है टोंक में देवड़ी के पास ऐसा इधर ना राहुली टोंक का चूना काम में आता है काम में लिया जाता है बताइए फ्रेश को ब्रूनो में जो चूना काम में लिया जाता है वो चूना कहां का होता है राहुली का और राहुली कहां है राहुली टोंक में है कविता गोस्वामी क्या कह रही राठौड़ भाई चापो होवे थापो कौनी होवे चापो थापो के कर रही है बेटा राहुली टोंक बिल्कुल ठीक है राहुली टोंक का चूना काम में लिया जाता है अच्छा ऐसा सर्वाधिक चित्रांकन कहां हुआ है वैसे तो देखो बूंदी में भी है मेवाड़ में भी है लेकिन ऐसा सर्वाधिक सेखावाटी में हुआ है साब पैसे वाले लोग ज्यादातर सेखावाटी के ही थे जब देश आजाद हुआ पूरे देश में पिछासी करोड़पति थे पूरे देश में पिचासी करोड़पति उनमें से बासठ करोड़पति तो अकेले नवलगढ़ के थे जो झुंझुनू में पड़ता है सर्वाधिक चित्रांन सेखावाटी क्षेत्र में हुआ है इसके अलावा बूंदी और मेवाड़ में भी हुआ लेकिन पूछे ने का सर्वाधिक प्रयोग क्या हुआ है तो शेखावाटी क्षेत्र में बताना है दोस्तों कौन से क्षेत्र में बताओगे शेखावाटी एस के वाती नहीं होती शेखावाटी जो महिपाल सिद्ध ने लिखी है वो बिल्कुल सही स्पेलिंग है एम एस चौधरी ने बिल्कुल सही लिखी है ठीक है सर्वाधिक चित्रांगन सेकावाटी क्षेत्र में हुआ इसमें राहुल टोंका चुना चूना काम में लिया जाता है प्लास्टर पर चित्रांगन किया जाता है दोस्तों के लोग ऐसा कठिन नाम नहीं जानते फ्रेस को ब्रूनो इसलिए सेकावाटी के लोग इसे क्या कहते हैं पणा चढ़ाना कहते, है। कहते हैं पणा चढ़ाना कहते हैं बताइए फ्रेस को ब्रूनो को शेखावाटी में क्या कहा जाता है पणा चढ़ाना क्या कहा जाता है पणा चढ़ाना जबकि इसी के बारे में पूछ लिया जाए पूरे राजस्थान में अन्य जैसे बूंदी और मेवाड़ में भी है तो राजस्थान में इसे क्या कहते हैं आला गीला राजस्थान में इसको कहा जाता है आला गीला और सगड़ा बाणिया ये अमर सिंह राठौड़ बिल्कुल सही कह रहा अमर सिंह राठौड़ सालासर बिल्कुल सत्य बात आपके करीब करीब बढ़िया ही थे है कि नहीं पन्ना पन्ना एक धातु होता है ये पणा चढ़ाना है बेटा एस वी एस डब्ल्यू एम काउ आपस में बात मत करो सर अब तो कांगलो होगो कंगलो होगो गो ना बेटा आज भी वाला ही लोग राजस्थान में इसको आला गीला कहा जाता है शेखावाटी में पणा चढ़ाना कहते हैं चूना इसमें राउली का काम आता है सर्वाधिक चित्रांगन शेखावाटी में हुआ है कौन सा चित्रांकन हुआ फ्रेस्को ब्रूनो जिसके तहत गीले प्लास्टर पर ही चित्रांकन कर दिया जाता है फ्रेस्को ब्रूनो क्या है जी फ्रेस्को ब्रूनो मूल रूप से ये इटली की देन है बताइए फ्रेस्को ब्रूनो कहां की देन है इटली की देन और इटली में इसे क्या कहते हैं अराइज या अराइज पद्धति कहते हैं अराइज स्टाइल इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है इटली की अराइज पद्धति पर आधारित चित्रांगन राजस्थान में क्या कहलाता है फ्रेसको ब्रूनो फ्रेसको ब्रूनो नहीं आए तब क्या बताओगे आप आला गीला गीला सर भी है अपने वो सर नहीं और एक कहते हैं इसको पणा चढ़ाना और इटली में इसका नाम है अराइस पद्धति मामला एक ही अंबानी की छोरी बगड़ के पीरामल परिवार में भी है बिल्कुल सही कह रहा है और यह टिप्पणी मैंने उस बगड़ वाले कवि सम्मेलन में करी थी ना अंबानी के सभी सगाओं को नमस्कार 2009-2012 में की पर मजबूरी के कारण दो हजार में बी एस एफ ज्वाइन कर लिया आप मेरे आदर्शो मैं कोशिश कर रहा हूं रणजीत सिंह वेरी गुड बी एस अब की बार बेड़ा पार भाई आपका सर जी जय हिंद महावीर जी अंबानी की जमाई झुंझुनू का है रामेश चौहान आई लव यू नवलगढ़ की हवेली है अरे चार चौक की हवेली यार नवलगढ़ में तो सबसे तगड़ी ये कह रहे 130 प्लस लाइव बट लाइक ओनली छप्पन कर देसी कर देसी अमर सिंह सर ओ ठीक है आला गीला वो आप कोई सो भी नाम आ सके ध्यान राखी पचपता फ्रेस को ब्रूनो अंग्रेजी में कहते हैं इटेलियन में इसको अराइज या अराइज पद्धति कहते हैं राजस्थानी में इसको आला गीला कहते हैं और शेखावाटी बोली में क्या कहते हैं पणा चढ़ाना ये देखना यह ये सेखावाटी में यह संपूर्ण राजस्थान में आराइज इटली में और फ्रेस को ब्रूनो पूरे वर्ल्ड की मुख्य रूप से जो संपर्क भाषा वो कौन सी है अंग्रेजी अंग्रेजी में से क्या कहा जाता है फ्रेस को ब्रूनो इसका सर्वाधिक चित्रांकन हुआ है वो कहां पर हुआ है साहब सेखावाटी की हवेलियों में और इसका दूसरा प्रकार था फ्रेश को सेको सेको का मतलब समझ लेना आप सूखा फ्रेश को सूको लिखना अपने को फ्रेश को सेको जवाब भी देना अपने को फ्रेश को सेको लेकिन याद रखना फ्रेश को सूको फ्रेश को सूको मतलब कि सूखे पलस्तर पर सूखे पलस्तर पर चित्रांकन करना यह क्या कहलाता है फ्रेस को सेको सेखावाटी के अलावा जो राजस्थान में सर्वाधिक चाहे कोई सी भी शैली हो उसमें सर्वाधिक चित्रांगन हुआ वो कौन सा हुआ है फ्रेस को सेको ये हुई साहब फ्रेस को पेंटिंग की प्रकारों की बात अब को पेंटिंग की अन्य बात और करते हैं को पेंटिंग अगर आपको पूछा जाए कि फ्रेस्को पेंटिंग की ओपन आर्ट गैलरी क्या है को पेंटिंग की ओपन आर्ट गैलरी क्या बताओगे आप शेखावाटी की हवेलियां कौन सी हवेलियां सेखावाटी की हवेलियां बताइए सेखावाटी की हवेलियों को क्या कहा जाता है फ्रेस्को को पेंटिंग की ओपन आर्ट गैलरी ओपन यानी खुली आर्ट यानी कला और गैलरी यानी वह स्थान देखिएगा दुनिया आप कहीं भी चले जाओ आमेर के महलों के अंदर चित्रांगन मिलेगा मेवाड़ में चले जाओ अंदर चित्रांगन मिलेगा सेखावाटी वालों ने बनाई सुंदर सुंदर हवेलियां और सुंदर सुंदर हवेलियां बनाने के बाद ऊंचे ऊंचे चबूतरों पर बनाई हवेलियां सुंदर सुंदर बनाए दरवाजे और इन हवेलियों पर बनाए सुंदर सुंदर चित्र बाहर की ओर अंदर तो सामान्य प्लस्तर है बाकी बाहर की ओर बनाई इन्होंने सुंदर सुंदर चित्र मोर बना दिया सा ऐसे सुंदर सुंदर अब कोई इस रस्ते रस्ते गुजरेगा तो आराम से वो इन चित्रों का निरीक्षण करता हुआ जाएगा चाहे तो वो इन पर निबंध लिख सकता है चाहे इन पर कोई लेख लिख सकता है इसके लिए इसको कोई टिकट नहीं देना पड़ेगा रस्ते रस्ते जाओ रस्ते रस्ते और इनके चित्रों का वो आराम से अवलोकन करो इसलिए खुली गैलरी बताइए फ्रेस को पेंटिंग की ओपन आर्ट गैलरी किसे कहा जाता है शेखावटी को नहीं सेकावाटी की हवेलियों को किसे कहा जाता है सेकावाटी की हवेलियों को कहा जाता है अगर पूछ लिया गया फ्रेज को पेंटिंग के लिए सबसे मशहूर सबसे प्रसिद्ध ये लम्ब प्रसिद्ध लिखता हूं सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा बताओगी मंडावा जिला आय सुबह नाला माशाला क्या गजब के चित्र बने हुए यूं दिल बाग बाग हो जाता है मंडावा की गलियों में घूमते घूमते जब इनको देखते हो तो बताइए फ्रेश को पेंटिंग के लिए सबसे प्रसिद्ध हवेलियां कहां की मंडावा की कहां की है मंडावा की बबीता चौधरी लाइक कर दिया है आते ठीक है ऐसा नहीं भूलूंगा मैं आपका ये इन इनके ओपन आर्ट दबार लाइक करो उसको दो बार एक बार और डिसलाइक हो जाए पोदार हवेली से शेखावाटी की हवेली इसकी तरफ देखिएगा सबसे प्रसिद्ध स्थान फ्रेस को पेंटिंग के लिए वो कौन सी जगह मंडावा झुंझुनू की हवेलियां आप में मंडावा किस किसी ने देखा है प्रताप सिंह कह रहा है सर आना कभी हवेली पर प्रताप सिंह मैं हवेली पर आऊंगा तो बहुत महंगा पड़ जाएगा खर्चा महंगा पड़ता है मेरा मैं भी जोशा की हवेली में मारी हेली में भी हाथ का चित्र थी। तो तेरा फोटो बना दिया होगा तेरी फोटो भी हाथी जैसी लगती है उसका <laughs> बबीता जी माने तो दोनों के ही लाइक कर दिया है आपको भी गुड मॉर्निंग रेखा बेरवा अब बताइए सबसे आपने मंडावा देखा अरे वाह भाई वा रामधन मीणा ने देखा है महिपाल सिद्ध ने देखा है लव ने देखा है नहीं देखा रेखा भैरवा अरे पीके फिल्म देखना पीके फिल्म की पीके फिल्म की पीके फिल्म की 80 परसेंट शूटिंग दिल्ली को छोड़कर वो जब बाकी की सारी की सारी शूटिंग कहां पर हुई है मंडावा में सबसे पहले वो एकदम नंग दड़ंगाता आमिर खान वो डायमंड हाथ में होता वो सीन भी मंडावा का है आपने देखा होगा एक दाढ़ी बनाने वाला होता है आती बुरी बेच देती है बेटा दाडी बनाने वाला एक सीन है एक जना दाढ़ी बनाता रहता और उसका पजामा गड़बड़ हो जाता कहीं और कहीं घुस जाता है पीके ने देखा कि ये पजामा गड़बड़ उसने पजामे को निकाला उसने बुरी तरीके से देखा कि बदतमीजी जी क्या किया लेकिन फिर भी अपने काम में लगा रहा फिर देखा यार नाराज हो गया तो उसने वापस पजामा सेट कर दिया था उसमें वो पीछे भागरा तार पीके आगर आगे वो सीन कहां का है मंडावा का है देखा है कि नहीं वो घाघरा लुगड़ी पहन के आ जाता है सब्जी खरीदता चारों तरफ उस जब भागता है हां ये मजे की बात ये सीन देखा होगा ने और जिसने ये सीन देखा पक्का डांसिंग कार वाला सीन भी देखे आए वो डांसिंग कार का सीन सब्जी लेने का वो सारा सीन जो है हम तो ढूंढाड़ प्रदेश देखा है तो हाँ, वो सारा डांसिंग कार पार सब जो भी है मैंने तो पीके की मैंने देखी थी, तो दोस्तों ये वो लेकिन चित्रों की तरफ कौन ध्यान देता है साहब आपने तो सबने डांसिंग कार की तरफ ही आपका ध्यान था गाडी वाला अमर सिंह राठौड़ वो फैशन वाला सर शेखा वाटी आप दोनों देखा है डांसिंग कार कमलेश जय ठाकुर जी की भाई जय ठाकुर जी की हाँ जोधपुर में खमांगणी सर जी पुखराज भाई नमस्कार नमस्कार तो प्रताप सिंह अवेली पर कब बुला रहे <laughs> सबसे प्रसिद्ध स्थान है मंडावा झुंझुनू जुन बताइए ओपन आर्ट गैलरी कहां की हवेलियों को कहते हैं शेखावाटी की हवेलियों को कहा जाता है दूसरी बात शेखावाटी शैली कह दो इसको चाहे शेखावाटी की हवेलियां कह दो सेवाटी की हवेलियों पर आम जीवन की झलक देखने को मिलती है किसकी आम जीवन की झलक देखने को मिलती है इसमें ऐसा नहीं कि राजा महाराजाओं के चित्र बनाए गए साधारण जीवन पनगढ़ पर पानी बरती हुई पनियारियां चाकी पीसती हुई महिला चूल्हे पर रोटी बनाती हुई महिला खेत में काम करता हुआ किसान बैलगाड़ी जोत करके मेले में जाते हुए लोग गीत गाती हुई महिलाएं, ऐसा जो चित्र मिलता है ऐसे जो सर्वाधिक चित्र जिसमें आम जीवन गांव का किसान है मजदूर है गृहिणी महिला है हाट में सामान बेचता हुआ बढ़िया है ऐसे आम जीवन की झलक सेकावाटी में दोस्तों इसमें राजाओं महाराजाओं के कोई चित्र ज्यादा नहीं तड़क बड़क ज्यादा नहीं है तो सेकावाटी के हवेलियों में जो मिलता है वो क्या मिलता है आम जीवन की झलक देखने को मिलती है अब देखते हैं अपन ऐसी कौन सी हवेलियां हैं जो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं प्रसिद्ध हवेलियां तो समय निकाल सकूं स्कूल से बबीता कैसे हंस रहा है भाई महावीर सर थोड़ा साइड भी हो जाए करिए अच्छा मेरे वो सभी साइड में करने में लगे रहते हैं कोई भी नहीं भाई मुख्य धारा में आ जाओ जी आप पायलट साहब के बर्थडे पर रक्तदान किया या नहीं सर जी मैं तो इस अंगुली के लगी थी उस दिन ही खूब रक्तदान कर दिया था ओमा जाने कह रहा है मेरी हवेली पर कब आ रहे हो जब तू बुलाए तब हाजिर है यार तेरे लिए तो पौधार की हवेली सर थोड़ा साइड भी हो जाया करिए सब भी क्यों लगे रहते हैं साइड में हो जाओ साइड में हो जाओ ये प्रवीण कौन है भाई स्टडी कर ले पायलट साहब की किया या नहीं सर जी तू आजार तो काट ले जाए भाई मैं तो ठीक तैयार हूँ धर्मराज <laughs> बेरवा कह रहा है भाई तुझे तो खुद ही कौन की जरूरत है रेखा बैरवा सुमाइला खान अरे पायलट कौन है हाँ मनी मेरा कह रही चुप हो जाओ चुपचाप पढ़ो मैंने तो एक बार ही क्या हुआ रहे? वो रक्तदान कर दिया था मेरी एक यूनिट रक्त चढ़ाते में हो गया बेहोश और यूनिट चढ़ाई तब जाके होश आया इसलिए मैं तो रक्तदान करता ही नहीं बेटा क्योंकि रो जितना खून बनता उसका चौगड़ा खून तो मेरी लुगाई पी जाती है रोजिना प्राण पीते बुरी तरीके से राक्षसों की तरह है ना तो दोस्तों खून दे कहा से वो सारा पी गई वो दो हाँ So, तू भी बताओ अस्सी परसेंट के गलत है पढ़ाओ कमले कह रहा अब अब है लेन पर लाइव क्लास कब कब लेते हो पढ़ाओ पढ़ाओ खिलेरी ऐसे आदेश दे रहा जैसे तू तो सेंस सैनस आलम और मैं तेरी अनार कली हूं है नाच मेरी बुलबुल बुल तुझे पैसा मिलेगा आइए चलते हैं प्रसिद्ध हवेलियां इस राजस्थान की सबसे फेमस जो हवेली है वो हवेली कौन सी है भाई दोस्तों जो सबसे ज्यादा फेमस है और सर्वाधिक प्रसन्न आया गया है मेरी तो एक कविता में भी उपमा है पटवों की हवेली ये कह रहा है मैडम ने वीडियो देख लिया तो तू तो खून तो पीना वैसे ही तय है खून तो वैसे भी पीती है इसमें दो बूंद ज्यादा पी जाएगी और क्या फर्क पड़ता है दो बूंद जिंदगी की पटवों की हवेली बहुत सुंदर है मेरे सामने से निकली एक नारी नवेली मेरे सामने से निकली एक नारी नवेली जैसे जैसलमेर के पटवों की हवेली उसके जरोखों को देखकर हमने शुद खोदी और दिल की पीड़ा उसके सामने रो दी आइए चलते हैं और पटुओं की हवेली कहां है जैसलमेर काजी जैसलमेर यह बनाई किसने थी गुमान चंद बापना, बापना भी कह सकते हो उसको पटवा भी कह सकते हो तो बताइए पटुओं की हवेली का निर्माता कौन था पटुओं की हवेली का निर्माता गुमान बापना अथवा गुमान चंद पटुआ था जो जैसलमेर का निवासी था उसने जैसलमेर में कौन सी हवेली बनाई पटवों की हवेली बनाई ठीक है दोस्तों यह चित्रकला के लिए प्रसिद्ध नहीं इसमें चित्र नहीं है मजे की बात लेकिन हवेली का प्रश्न आता तो मैंने इसी में करा दिया इसमें चित्र नहीं है ये बारीक नक्काशी, बारीक नक्काशी, व सुंदर वह के जो पीले रंग के हैं पीले रंग का पत्थर होता है जैसे की, सुंदर झरोखों के लिए प्रसिद्ध है फारस के ईरान के कलाकार थे औरंगजेब जब शासक बना कलाकार बेरोजगार हो गए कला को कोई प्राश्रय नहीं दिया गया तो ये बेचारे कलाकार वापस फारस की तरफ जा रहे थे सब जैसलमेर में पहुंचे तो जैसलमेर के राजा और जैसलमेर के बणियों ने इनको रोका साहब और कहा कि हम आपको रोजगार देंगे आप यहां पर हवेलियों का निर्माण कीजिए और उन्होंने इस हवेली का निर्माण किया तो पटुओं की हवेली कहा जैसलमेर में बनाने वाला गुमानचंद इसकी बारीक नक्काशी व सुंदर जरोखों के लिए प्रसिद्ध है इसी जैसलमेर में एक और है नतमल जी की हवेली नतमल जी की हवेली भी कहां है जी जैसलमेर में कहां पर है जैसलमेर में यहीं पर है चोरों जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली सालिम सिंह की हवेली सालिम सिंह की हवेली भी कहां बताओगे जैसलमेर में है पांच बार देखिए अंकित गुजर कह रहा है पहले इस प्रवीण को ब्लॉक करो रे चलने दे यार तेरा क्या ले रहा है एक हो सकता है किसी नेता की के सर चढ़ के बोलते बोलने दे अपना क्या नुकसान है पर भी ये पायलट का प्रचार करने नहीं आया ये, ये यहां पर पढ़ने आया है बीच में यार अपने दिल के उद्गार लिख दे तो लिख दे इसमें गलत थोड़ी क्यों उपलब्ध करें इसको हाँ देव दरबार अरे छोटे ही छह महीने हो गए बावड़े जालियां पत्थर बिल्कुल पत्थर की है कोई बिल्कुल सही है कमलेश नोलिया सही कह रहे है जैसल मेरी स्टोन है एकदम पीले रंग का साले अब देखो ये भी जैसलमेर में ये भी जैसलमेर में ये भी जैसलमेर में इसलिए नोट कर लो छोरो जैसलमेर को कहा जाता है हवेलियों की नगरी हवेलियों की नगरी अथवा हवेलियों का शहर हवेलियों की नगरी या हवेलियों का शहर किसे कहते हैं हवेलियों की नगरी या हवेलियों का शहर जैसलमेर को कहते हैं लोद्रवा की राजकुमारी कौन थी तेरी बुआ जी मूमल जुग मिठिए मूमल चाले है तो ले चालू मरुधर देश जैसलमेर से लिखा एक प्रसिद्ध चित्र भी है मुमल है कि नहीं है दांत मुमलरा दाड़ केरा बीज ये भूतों के बिली हर गांव में होती कोई होट मुमलरा हिंगड़ू डो जग सर जी ये महिपाल सिद्ध गाली दे रहा है इसको कर दो ब्लॉक महिपाल सिद्ध को टेक्निकल टीम ब्लॉक करे ठीक है अगर ये हो जाया आ जाएगी हजार हवेलियों का शहर तो बीकानेर को दलपत चारण अमराणे देश अगर यह आ जाए कि हजार हवेलियों का शहर तो बीकानेर हजार हवेलियों का शहर बीकानेर लिख ही देता हूं हवेलियों का शहर आपकी परीक्षा से पहले 100% परसेंट सिलेबस करवा देंगे हवेलियों का नगर कह दो हवेलियों की नगरी कह दो हवेलियों का शहर कह दो तो किसे बताओगे जैसलमेर और क्या सुंदर गलियां इन हवेलियों के बीच ये गलियां जैसलमेर की गलियों पर मेरी प्रसिद्ध कविता भी है अगर पूछ लिया जाए हजार हवेलियों का शहर हजार हवेलियों का शहर तो किसे बताओगे छोरो बीकाणा केवल हवेलियों का जैसलमेर हजार हवेलियों का किसे कहते हैं बीकानेर को आइए फिर चलते हैं अपन हवेलियों की तरफ हवेलियों की तरफ जब चलते हैं तब आगे तीन हवेलियां पढ़ ली थी सालिम सिंह की पढ़ ली थी ने अगर आ जाए जालिम सिंह की हवेली तो जालिम सिंह की हवेली ये चित्रकला की वजह से प्रसिद्ध है जालिम सिंह की हवेली झालरापाटन चोरो जालिम सिंह की झालरापाटन जिला झालावाड़ सालिम मंजिल हवेली सालिम मंजिल हवेली सालिम मंजिल हवेली कहां है जयपुर झाला झाला हवेली।, हवेली को झालावाड मत कर देना जाला हवेली कोटा में है झाला हवेली कहां है जैसलमेर की हवेलियों वाली कविता सुना दो तो तो यूट्यूब पर पढ़ी है, सुन या पढ़ने आए ये नहीं करेंगे मैपाल सिद्ध गाली दे रहा है ब्लॉक करो इसे कमेंट अच्छा प्रवीण गुजर तुम तो दोनों लड़ रहे हो बेटा प्रवीण गुजर भी ब्लॉक होगा होगा तो या दोनों नहीं होंगे दोनों को मत करना भाई ये पढ़ने आए लड़ोगे तो तुम्हें बाप की सोगने और जिसने पहले एक दूसरे के खिलाफ जिसने पहले कमेंट कर दिया एक दूसरे के खिलाफ उसी को ब्लॉक कर दिया जाएगा अरे आ रहा है नहीं कहते बेटा जाला हवेली चार चौकी हवेली कौन सी हवेली चार चौक की हवेली पोदार हवेली मोरार का हवेली चार चौक की हवेली पौदार हवेली और मोरार का हवेली ये कहां पर है नवलगढ़ और नवलगढ़ कहां है झुंझुन बोलिए चार चौक विली पोदार हवेली और मोरारका हवेली कहां है नवलगढ़ में और नवलगढ़ कहां है झुंझुन में सुन्दर अलारिया कह रहा है सिक्कर लक्ष्मणगढ़ चार चौक के हवेली नवलगढ़ की ज्यादा फेमस है।, है कि नहीं बूंदी नहीं है भाई कमलेश खिलेरी ये लिख ली होगी आगे चलते हैं सोने चांदी की हवेली ये सोने चांदी की हवेली वहां की प्रसिद्ध है जहां की शराब भी प्रसिद्ध है सोने चांदी की हवेली कहां की प्रसिद्ध है महणसर महेणसर का जिला झुंझुनू यहां के शराब भी फेमस है आंसवर दे खाजी रेखा बैरवा खुशबू नवलगढ़ पौदार नहीं है राजेश कुमार पौदार है सोने चांदी महल झुनझुनू गंगानगर सर मटे तो टापरिया से लाइव क्लास कब लेते हो ले रहा हूँ नड़बू जी के पिताजी का नाम क्या था मेरा जी थाली था गुरु माता था, मारी वाइफ सोने चांदी की हवेली कहां है मैणसर में और मैणसर कहां है जी झुंझुनू जुन में देखिएगा पीरामल हवेली अब तो शायद यहां कॉलेज चलती है इसमें बगड़ झुंझुनू जुन बगड़ कहां पर है झुंझुनू जुन विड़ला हवेली पीला जुनू डालमिया हवेली डालमिया हवेली चिड़ावा पंसारियों की हवेली पंसारियों की हवेली श्रीमाधोपुर पंसारियों की हवेली अनुष्का देखिए क्या पंसारियों की हवेली मेरा गांव में तो सो प्लस कोविड पॉजिटिव आ गए अशोक चौधरी कहां कौन सा गांव है एक है कानून गो हवेली कानून गो हवेली कहां है खाटू श्याम जी ये खाटू श्याम जी और श्रीमाधोपुर दोनों के जिले में कर कुल मिला के बात ये जी सर्वाधिक हवेलियां जो है हाँ सर देखिए वेरी गुड सर कवि हो गई ना कोनी हम यहाँ पढ़ने तुम्हारी गाली खाने नहीं आए हैं और दिक्कत है तो नंबर डालो और बात करो दिक्कत हो तो डागुर सर देखो आप ही इनको लड़ो मत मेरे बापू मैं दोनों के हाथ जोड़ता हूँ प्रवीण गुजर और सिद्ध दोनों लड़ो मत तुम भाई हो यार अपने कौन सी सीम रही है कौन सा कौन सी मतीरे की राड़ लड़नी है तुम तो मतीरे की सी राड कर रहे हो यार है कोई तू कहा सौ किलोमीटर दूर बैठा है तू कहा है दो सौ किलोमीटर दूर बैठा है तुम्हारा कोई लेना देना क्या है यार ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोई को शीतल करे आप शीतल हो अरे बेजान दारू वाला तू तो लड़की है या लड़का है राज राजस्थान पुलिस की पूरी क्लास कब से अब चल रही है दन। मैं तो कौन दे की कानून वेली मुकेश कुमार भुकड़िया कह चल एक दिन तेरे को मैं दिखा के लाता हूं ठीक है ना तो ध्यान देना श्रीमाधोपुर सीकर और कानून गोवेली खाटूश कानून गोवेली बावड़े शामकुंड के सारे ये ना गड्ढा धर्मशाला के आगे भूत आइए आगे कुछ हवेलियां और जानते हैं कन्हैया लाल सेठिया की हवेली कन्हैया लाल सेठिया की हवेली डॉक्टर कोमल गौड़ सुजानगढ़ दयाचंद, दयाचंद चोपड़ा की हवेली दयाचंद चोपड़ा की हवेली दयाचंद चोपड़ा की हवेली भी कहा है ध्यानचंद भी कहते हैं इसको सुजानगढ़ जिला चूरू रुइया हवेली लोहिया हवेली रूई का व्यापार करने वाला रुइया लोहे का व्यापार करने वाला लोहिया तो रुइया और लोहिया हवेली कहां चोरो चूरू है कि नहीं है ये देखना एक विदेशी ने खरीद ली वो हवेली है नादीना ला प्रिंस की हवेली गजब की हवेली है नादीना ला प्रिंस की हवेली ये है चोरो फतेहपुर शेखावाटी फतेहपुर शेखावाटी फतेहपुर शेखावाटी का जिला कौन सा पड़ता है सीकर एक चोरो सुनहरी कोटी सुनहरी कोटी कहां पर है टोंक उतारो देखिए इसको उतारो सठ उतारिएगा स्क्रीन शॉट स्क्रीन शॉट जो कुछ लेना है वो ले लीजिए ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋਖ ਦਿਉ ਐਲਾਵ ਜੀਉ ਤੋਰੇ ਬੇਟਾ ਮਤ ਲੜੋ ਭਾਈਓ ਅਸ਼ੋਕ ਬਿਸਨੋਈ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੈ ਲੜਾਈ ਲੜਾਈ ਮਾਫ ਕਰੋ ਔਰ ਕਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਕੀ बिल्कुल निशा शर्मा रीट के लिए भी ले सकते हो आइए चलते हैं आगे ठीक है दोस्तों सोनेरी कोटी कहां बतानी टोंक छोरो टोंक को कहते हैं नवाबों की नगरी हवेलियों की नगरी जैसलमेर हजार हवेलियों का शहर बीकानेर और नवाबों की नगरी नवाबों की नगरी कहते हैं टोंक को किसको कहते हैं टोंक को, दो मंजिल है इसकी दोनों मंजिलों को अलग अलग ने बनाया था तो नवाबों ने बनाया और 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 कौन सी हवेली बची रहे एक बचगी साहब उदयपुर में है वो पगड़ी को वो संग्रहालय बना रहे हो कठपुतली संग्रहालय बागोर हवेली बागोर की हवेली चोरु बागोर की हवेली जो है वो उदयपुर में है भीलवाड़ा मत कर देना क्योंकि बागोर गांव तो है भीलवाड़ा में और बागोर की हवेली है उदयपुर में बागोर की हवेली बनाने वाला कौन था अमरचंद बड़वा अमरचंद बड़वा ने बनवाई दोस्तों इसी बागोर की हवेली में वर्तमान में क्या है वर्तमान में राजस्थान की सरकार ने इस हवेली को क्या बना दिया है कटपुतली संग्रहालय बना दिया है क्या बना दिया है कठपुतली संग्रहालय बना दिया और दोस्तों इसी हवेली में विश्व की सबसे बड़े आकार की पगड़ी रखी हुई है तो याद रखना राजस्थान का कठपुतली संग्रहालय कहा संग्रहालय बागोर की हवेली उदयपुर में है इसी के साथ हमारा यह टॉपिक यही होता है पूरा कल की बातें हवेलियां पूरी हो गई कल की बातें कल की कक्षा में करेंगे तब तक दीजिएगा मुझे इजाजत नमस्कार राम राम